भाई मेरी मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई और थोड़ा जिनने ज्यादा सपोर्ट करा मुझे, थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करा मेरे भाई यार आ गए हैं पीछे। सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, सब रहेंगे सिस्टम के नीचे ही, सिस्टम के नीचे ही रहेंगे जिंदगी भर। मैं थोड़ा लेट हुआ उठने, भाईयर ने उठा दिया पहली बार, तो उसके लिए शुक्रिया भाई, मैं उठता नहीं तो मेरे गम में रवि भाई ने हाथ तोड़वा लिया। अरविंद भाई का एक इंच बाइसेप टूट गया, मैं कहा इतना नहीं, अब दोबारा जिम शुरू करो भाई यार। बाकी हाँ जी भाई ले लिए, ये डबल मां भूल गए मामा ले तली, मैं तो अलग से पर्सनल लेने आता उधर। इस आदमी का ज्यादा शुक्रिया भाई, यो मिस नहीं होना चाहिए यो इंसान। जा मैं डबल मां हो मामा भूल जाओगे तुम? बिल्कुल नहीं भूल सकते मामा, कैसे भूल जाओगे, बात ना ले लो अभी तो ब्याम बात भी लेना तुम्हें। मैं अभी इन सारी चीजों से फ्री होकर मैं आऊंगा फरीदाबाद आप लोगों के पास। डन फरीदाबाद। और तो भाई तो पड़ोसी भाई है हम कौन? तम दिल में हो सो मेरे भाई जी, और फिर तैयारी करो भात की, हमें तो भात देना फुल तैयारी है, 3 महीने बाद देना हो, 3 साल बाद देना, पर देना कितने बाद नहीं बता, अभी बता दो, अभी डेट्स करेंगे, पहले बता दे, डिस्कस करेंगे अभी। बैक टू बेसिक्स गाइस, इसको क्लीन कर देना भैया। और भाई मैं तो सही बताऊं भूल गया था कि व्लॉगिंग भी करनी है, एक मिनट भाई भूल गया, छोड़ो भाई, देखिए इन चीजों में खुद उठाने लग गए हो आज। भाई सर भाई सर पता चला, पता चला सबसे कह रहा खाना खा रहे हो, रुको मैं एक बार झाड़ू लगा लेता हूं और बर्तन मांज देता हूं। खाना खा के खुद को बर्तन खुद से धो रहा है भाई, सुबह उठा तो मेरा प्लेट धोने की तो आदत है, बाथरूम गया तो ऐसे चला गया, फिर कह रहा ओए मेरा फोन कहां है। अच्छा याद आ गई भाई, आदत पड़ रही है यार। कोई भी हो मम्मी बड़ी खुश होगी मतलब तेरे को, तेरी के मम्मी ने, मम्मी का पैसा बच गया कि अभी काम वाली होगी वाट की जो आ रहा है। आंटी तो, आंटी से पूछा था एंट्री वाले ने कि आप एलविश घर पे आएंगे तो काम करेंगे, करे वो ना करे यहां के मन ना ना मैं हर जगह करूं यार, अब आदत पड़ी, काम करना बहुत जरूरी है। और जो हमारा होटल का व्यू है मत दिखाओ, यहां नहीं दिखा सकता, पर बहुत यार ये पहाड़ है क्या, हां खत्ते का लेट हो गए सिस्टम हैंग करने में, डाल दो सर। मैं कह रहा हूँ भाई कितने वोट करे थे तुमने मुझे, जेन्युइन बताना जेन्युइन कितने वो? नहीं है, तो जितने भी टीम थे, हाँ। तुम्हें पसंद आया मैं यार, तुम यार तुमने दिल जीत लिया वाली बात बोल के, थैंक यू। अरे वाह, इंटरव्यू थोड़ी ले रहा हूँ मैं, कह रहा इंटरव्यू ले रहा हूँ। क्या क्या मंगाया हमने, दाल मखनी राइस और राइस और चिकन चिली वाला। चिकन कौन खाता है, अच्छा ये भाई यार ये बॉडी बिल्डर, जब तक भाई अपनी जनता है व्लॉग्स है तब बढ़िया है ना सिस्टम, तो हम कब कौन सा बड़े आदमी हो गए जो व्लॉग करना छोड़ वही तो, हम तो पहले भी रोड़ा घूमते थे, हम तो अपने अब भी यही खावे चकना, अब भी अपने लेजेंडर में डोल लेंगे, पूरे गुड़गांव में डोल लेंगे, वहीं कॉफी पियेंगे है भाई। हाँ यार सही कह रहा, और आज तो हमारे साथ वो आ रखी है एक मेरी बहुत बड़ी फैन है यार, जो जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा, मेरा टैटू भी करवाया अपनी कमर पे, और यार अभी इसने कमर पे पूरी पे करवा रखा, तो दिखा नहीं दिखाऊंगी नहीं अभी, नहीं बाद में रिवील करूंगी, लड़के ने भी करवा रखा मेरे ब्लॉग पे, और ये काला घोड़ा तो पहचानो, काला घोड़ा ये चोरी करके लाए हैं इसको, हाँ हाँ भाई ये फ्री की चीज ना छोड़ा कुछ भी, काला घोड़ा तो आपके पास भी है घर पे, मेरे दुरे तो अब भी है लेगा। अरे यार वो रखा देख भाई, उसको भाई इसे लेके कहां जाऊं फिर मैं, इसे लेके डोल ले जहां तक दीजिए, इसे लेके सो जा तू, पोर्टेबल है आपका घोड़ा, मैं अपना नहीं डिटैचेबल, वहां से उठ जाएगा बैग में चला जाएगा। मैं कह रहा हूं आपने कुछ खाना है, वैसे खाना ही है ना तू इधर, ये खाना तो मंगा ले और खा ले और हमें भी खिला दे, ना ना कपकेक बना के खिला दे यार, इसने बहुत कपकेक खिलाया भाई। अच्छा आता है इसको खाना बनाना, खाना बनानी, इसने कपकेक बना के तो खिलाया और मेरे को कॉफी पिलाई भाई सुबह सुबह इसने, जब तक कॉफी हमारी खत्म नहीं हुई, क्या बात, इसने मेरा चोरी चक्कारी में भी साथ दिया, ऑल्दो इसने चोरी करी नहीं मेरे साथ, बट मेरे से करवाई अंडों की, किसी के बहुत सारी चीजें चोरी करी हमने मिलकर, खाना जाके अंडे चुरा रहे थे भाई सर। भाई ठीक है, होटल वोटल ठीक रहती है चीजें वहां जाके, मैंने तो अपने वहां भी बता दी, मैंने एक तौलिया था मेरे पे सफेद कलर का, मैंने कि मैंने तो होटल छोड़ा,
बस ये क्या, तो इसके पैसे दे देना। अच्छा तूने रेड बुल मंगाई है किससे पूछ के भाई? सबसे महंगी चीज मंगाऊंगा मैं, नहा रहा था पीछे से सामान मंगा लिया मैं। मैं आपकी आपकी वीडियो में तो नाली नहाता है। हाँ यार ये गलत बात है भाई, ये हमारे इसमें ना लॉक नहीं है, ये सारा सीधा खुल जाता है। मेरे अज्जूर ने मेरी यहाँ से ये बना ली। नहा कैसे करते एक मिनट भाई, पकड़ना एक बार जरा इसको, जैसे मैं ऐसे ना रहा हूँ एकदम से, मैं देखो यूं यूं ठीक है, तो यूं कर दी हूँ। अरे तो यूं बैठ जाओ ना, यूं ना बैठ जाऊं, यूं ना बैठ जाऊं तुझे पकड़ के। मुझे कुछ होगा इसके, बीमारी बीमारी अब तो ठीक है, चिल मारो। अरे इसकी वो इंजन ऑयल चेंज नहीं हुआ ना, इंजन ऑयल चेंज नहीं। अच्छा तेरा इंजन ऑयल मेरे अलावा कोई चेंज नहीं करा रहा था? पता लगी साढ़े अहमियत मेरी भाई। एक महीने में इसकी ऐसी हो गई भाई, हमने तो व्लॉग में बोला यू लग रहा है कि एक बड़े भाई का हाथ उठ गया सर। ये क्या कह दी साढ़े ने तो मार दिया मुझे, कह रहे बड़े भाई का हाथ सर से उठ गया। इससे बड़े भाई का हाथ था तुम्हारे ऊपर, इससे बड़े भाई का आपके पास भी वो पावर नहीं था। आप वो इंजन ऑयल चेंज नहीं कराओगे? सिंथेटिक वाला करवा दे भाई, खुद खुद बदल ले इंजन ऑयल, पर करवावे नहीं है। ये कह रही यार इंजन विंजन की क्या बात करें, इन पे गाड़ी फोड़ी है क्या? मैं कह रहा हूं हम पे तो साइकिल है, मैं साइक साढ़े का कह रहा तू, इन पे इन्हीं की तो कह रहा हूं। क्या कह रहा भाई तू ये सब? अच्छा इतना सच बोल लेगा नहीं? मैं कह रहा हूं ओए तुझे पता था मैं जीतूंगा? हां भाई जैसे हमने एंट्री करी ना, हमारा इसलिए वाइल्ड कार्ड लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था ये दोनों बहुत झगड़ेंगे एक दूसरे से, लड़ाई बजेगी क्योंकि ये तो पुराने दुश्मन है। और भाई वहां पे गाड़ी में बैठ के ब्लाइंड्स लगाते ना, आंख खोल के देखी मैंने, मैंने कहा भाई पागल है क्या दूर हो कि भाई आई एम कमिटेड यार, यस प्लीज यार स्टे अवे यार। पर इसने यार इसने बहुत हेल्प करी यार, मजाक सेट किया भाई, दोनों मिलके चुराए क्या मतलब? ओ भाई पहले क्लेरिफाई करने दो, ये सिर्फ अपने काम से कमिटेड है आदमी। मैं कह रहा मैंने इसने मेरी बहुत हेल्प करी कि अगर कोई नहीं मिल रहा मेरे को किस पे जोक मारूं, मेरे को ये मिलती थी भाई। इस पे मैंने बहुत जोक मारे माँ कसम, तुझे ऐसा लगा था कि ये सारा कुत्ता आदमी है बट है तो सही आदमी है ये। हाँ, तो है ना बढ़िया आदमी, तो मैंने बोला भी था भाई दे देना 500 ठीक है बात। इसको पेटीएम कर देना भाई ये बोलने के लिए, तारीफे करने के लिए। तेरे को परसों किए थे उसके भी गेम चेंज हो गया जब आप एंटर हुए उसके बाद से? जब एंटर हुआ तुझे पता था जीत जाएगा? नहीं पता था ना, तब थोड़ी पता था कि आते थोड़ी जीत जाएगा यार। जी हाँ यहाँ फोर्स बैठी हुई थी, तब तब तो यूं सोच रहे हो मैं जीत मैं जीत मैं जीत, तो ऐसा सोच गई थी ना, मेरी तो मेरे को पता चला ना फोर्स यार। आर्मी खाना खान फ्री का, इसने इतना फ्री का खाना खाया ना वहाँ पे भाई, प्लेट लेके सुबह सुबह बैठ जाओ खा, एक पराठा, एक पराठा दे दो मुझे, सब्जी मैंने सब्जी डाल लूं और अंडे फोड़ 12 बार खाना खावा है, 12-13 बार जैड जैड चिड़का नु करा यार, शी इज ईटिंग सो मच, वेयर शी स्टोरिंग ऑल दिस। और ये बार बार जावे यार अपने अंडे फोड़ का कुछ बना ला, ए कपकेक गाइस कपकेक। भाई मैं मेरा इतना चेहरा भर गया कपकेक खा खा के, मैंने कहा यार मुझे नहीं खाना। और वे इतने मीठे के शौकीन, ये अभिषेक और मनीषा, मनीषा कहां है? वो भी तो आ रही थी। हां वो एक मीटिंग में, उसकी कौन सी मीटिंग होने लग गई? कोलैबोरेशन की फ्री फंड में कहां का जा रहा है? ना मनीषा कह रही एलिस का चेहरा ना देखूं, मनीषा का, मनीषा ये कह रही मेरा चेहरा ना देगा, उसे दिखेगा भी नहीं चेहरा ना, आउट ऑफ रेंज। तुमने तो कहा तुम उसको ब्लॉक कर दोगे, शर्म कर तो दिया, अब और कैसे ब्लॉक करूं यार, मैंने अपनी नजरों से ब्लॉक कर दिया उसे आशिका, वो तो आपने बिग बॉक्स में कर दिया था भाई। करेक्ट, मैंने मेरी तरफ से गाइस कुछ हो तो नहीं लगा कि मैंने उसकी तरफ और क्या टच तो सिर्फ इन मुट्ठियों से होता ना, इधर से थोड़ी ना होता टच। अरे मैं इसको बॉडी पार्ट नहीं मानता,
मैं मानता हूँ अगर यहाँ से हाथ खुले हो कि किसी का ऐसे टच हो गया तो साला टच हो गया, अगर मैंने मुट्ठी बीच रखी है तो वो टच नहीं समझ, उधर कंट्रोल है बच के। अच्छा ऐसे अच्छा ऐसे हग करते हैं और ये क्या है फिर? बॉडी टच बॉडी नहीं होता है, दिस इज नॉट बॉडी। मैं कुछ पूछ रही है। अच्छा हां बॉडी टच को टच नहीं बोलते? नहीं, अरे हमारा तो ऐसे टच है सिस्टम है, ठीक है? हमारे टच अगर जिस दिन झेल लेगी उस दिन भाई पकड़ना है। अरे वैसा टच यार, अरे मतलब वो बोलना वैसा है, हमारा हमारा टच मतलब हमारा तुम्हारा सॉफ्ट टच। अरे नहीं, हमारे में रल जाएगी जिस दिन उस दिन अरे वो बन जाएगी। मैं कहता हूं भाइयों वाला टच, ऐसे वाला टच की हाथ कर दिया, ये भी तुम्हारा भाई है छोटा छोटा भाई। हां मैं तो छोटा भाई हूं, छोटा बालक, छोटा भाई है बालक बुद्धि। ये कहते हैं हमसे कंट्रोवर्सी कर लो। मैंने कहा बोला सालत कितने हरामी हो यार, पता लग गई तुझे? पता लग गई कि हम हरामी है? चलो ये क्यों बताई भाई, चलो पता तो लगी। नो भाई एक्सक्लूसिव है, आज आशिका भाटी ने बताई दिया इनके बारे में। क्या बताया, क्या है ये? हरामी। We are darling, we are. ऐसे ही हम। बेबी का मैसेज आया मेरे पे WhatsApp पे। Hi baby का this side, और वो लिख रखा है उस पे, उसका नाम आ रखा है डॉक्टर बेबी का। अभी उसे रिप्लाई करूंगा। आई लव यू बेबी का, लॉट्स ऑफ लव टू पूजा जी। क्या होगा? और वो भी तो आपकी फेवरेट, उनकी छोटी रणबीर कपूर को मैसेज दे दो कि ही डिजर्व भाई, वैसे वो किसी और की है। ठीक है बोल दूंगी। बोलो बोलो आलिया भट्ट किसी और की है फिलहाल, सून शिल बी माइन। देखियो तू लिख के दे दूं उसको भाई। सोचो आप ऐसे भाई, सुनो ना 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 फुल रिस्पेक्ट टू आलिया भट्ट एंड पूजा भट्ट, बहुत अच्छी थी और उनकी सिस्टर भी बहुत अच्छी है। मैंने बाहर आके बहुत सारी चीजें देखी, उन्होंने जो इंटरव्यू में बोला कि एल्विश इज लाइक रॉकी, तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग और फनी लगते हैं। मुझे भी आप बहुत ज्यादा प्यारे लगते हो और वाइफ मटेरियल रणबीर कपूर की वाइफ मटेरियल लगते हैं। नॉट माइन, आई एम फिक्स्ड, मैं अपने सेट हूं भाई। यारी इनके बहुए तेरे से कल बहुत सारे सवाल पूछे थे कि बाहर कौन है, कौन है तूने, कौन सेनोरिटा, कौन सेनोरिटा, सेनोरिटा नंबर वन, सेनोरिटा नंबर टू। एक सवाल है कि कब से जानते हैं एक दूसरे को? अरे हम कूड़ा चुकते थे जब साथ में। एनजीओ चलाता ना, ये एक एनजीओ चलाता है, तो वहाँ पहली बार खाना खाने आए थे एनजीओ। ओ भाई, ओ भाई। तो तब से इसने कहा कि ठीक है, तब से मैंने इन्हें गोद ले लिया। गोद ले लिया। मैं कह रहा हूँ एक चीज दिखाता हूँ भाई, बहुत सारे लोग सोच इन्हें बता दी भाई, तुमने बता दी वाली बात। अबे यार ये तो नहीं बतानी थी, रिकॉर्ड भी हो गई। मैं कह रहा हूँ सुनो, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, जिन बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, बड़े बड़े लोग, मतलब बड़ा छोटा तो क्या होता, बट जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, वो सोच रहे हैं एल्विश में कितना घमंड है, देखो हमारा रिप्लाई भी नहीं कर रहा। भाई देखो, जो भी मेरा भाई देख रहा है, तुम्हें चीज दिखा देता हूँ। तो भाई सिस्टम हैंग जो होता है वो ये दिखाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो सिस्टम हैंग हो गया मेरा, कैसा सिस्टम हैंग हो गया। देखो ये होता है इंस्टाग्राम मेरा, ये मेरी आईडी है। अब यहाँ पे ना मैसेज आते हैं, ये मैसेज है, अब मेरा मैसेज देखना। जब से बिग बॉस खत्म हुआ है तब से मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे मैसेज लोड हो जाए। सी जिसको लग रहा हूँ ना मैं, बाकी नेट चला के दिखा दे, बाकी नेट चला के दिखा दे कि नेट चल रहा है, बाकी सब कुछ चल रहा है। ये देखो सारा नेट भी चल रहा, क्या चल रहा है, चल रहा है, ये देखो चल रहा है। सारी छोरी छोरी आ रही है, आशिका जी आ रही है, आशिका, अरे आशिका तो पूरे इंटरनेट पे गायब है। मैं कह रहा हूँ देख लिया, अभी भी नहीं खुल रहा भाई, मेरे मैसेज है तो किए मत समझना कि तो एल्विश जितने भी मंत्री हैं, संतरी हैं, प्यार है भाई है, सबके मैसेज रिप्लाई करें भाई। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग, बहुत सम्मानित हस्तियां जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा ट्विटर पे, सारी जगह पे उन्होंने सपोर्ट दिखाया, हमारे डिप्टी सीएम से लेके हमारे बहुत सारे एमपीज, बहुत सारे एमएलएज और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर, सबको ढेर सारा प्यार और सबसे बड़ी पावर तेरी एल्विश आर्मी और उनके, वो तो है ही भाई, वो तो स्पाइन है मेरी, अगर वो ना होते तो मैं टूट जाता। और मेरे भाई यार है मेरी, आप लोगों सारी मेरी ताकत, और आशिका जी ऐसी
मेरी इंपॉर्टेंट घनिष्ठ मित्र पुरानी पुरानी जिनको मैंने टाइम पे रोस्ट किया था और आज देखिए हम कितने बड़े दोस्त हैं। देखो मतलब जो एक फ्रेम में कभी आने जाता था आज एक रूम में बैठे। तुझे पता था कि इतना बड़ा दोस्त बन जाएगा तेरा, बड़ा 6 फुट 3 इंच 6 फुट 2 इंच का दोस्त जिसके बाल भी खड़े है। आई लाइक योर कंपनी दो जो तुमने खोली थी ना बीच में, कौन सी कंपनी? बाकी भाई टेंशन मत लेना, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं हम सब आपसे कांटेक्ट करेंगे और हो जाएगा सिस्टम सेट। यार एक बार मेरे मैसेज खुल जान दो गाइस, ये मत समझना कि एल्विस भाई साला कुछ डाल ना रहा। भाई एक एक और चीज दिखाता हूँ तुम्हें, मैं मेरी स्टोरी व्यू दिखाता हूँ तुम्हें, जिसको नहीं पता मैं दिखा देता हूँ पब्लिक को। भाई सब चीज तुम्हारी है, ये देखो 22 घंटे हुए हैं। मैं सबको प्यार दिखा देता हूँ, मेरे भाई का स्टोरी व्यू दिखा दो। 15 मिलियन less than 24 hours 110% हो रहा है, 22 घंटे ही हुए अभी ये हुआ। ठीक है मेरी जो ये वाली फोटो थी इस पे लोगों ने कितना प्यार दिया, गेस करो गाइस कितने कितने लाइक है, कितने वो आए होंगे इस पे। लाइक है 9.1 मिलियन 91 लाख लोगों ने लाइक करी है, मतलब 1 करोड़ क्या कहना चाहेंगे आप, क्या क्या 1 करोड़ लाइक होने वाले जो लास्ट कल ट्रॉफी सबको डाल ली, क्लोज टू 1 crore नहीं कर सकता तो बस मैं हाथ जोड़ के विद ड्यू रिस्पेक्ट यही बोल सकता। अरे कैसे चढ़ा, हाथ जोड़ के विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं वही कर सकता हूँ कि आपका बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। जैसे ही ये खुलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। फोन आ रहे मेरे पे बहुत सारे, मैं उठा नहीं पा रहा क्योंकि लगातार बचते जा रहे हैं। इस वाले जो दूसरा फोन है मैं वो यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर सिम नहीं है, सो सॉरी। अरे क्या है पीछे तक करने लग रहा हूँ यार, सो सॉरी एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग कीप लविंग। व्लॉग बना दे क्या सिंगल टेक में भाई, 13 मिनट का व्लॉग बना दे, 13 मिनट का व्लॉग, 13 मिनट का हो गया अब वो कर दे वो सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। दिस इज एल्विश यादव एंड यू वाचिंग मी ऑन एल्विश यादव व्लॉग्स टू सब्सक्राइब। तू भी बोल सब्सक्राइब टू एल्विश यादव ब्लॉग्स। तो भाई तो बोला नहीं, ओके इसे भी सब्सक्राइब कर दे यार, इसे एल्विश यादव ब्लॉग्स को यार, और इसे भी सब्सक्राइब कर दे एल्विश यादव ब्लॉग्स को यार। क्या करें भाई, वो भाई भी ना भाई एल्विश यादव ब्लॉग्स।